हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज ऑप्शन ए एपिकार्प ऑप्शन बी मीजोकार्प एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प ऑप्शन सी एंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प एंड ऑप्शन डी एपिकार्प एंड मीजोकार्प सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो बनाना होता है उसका एडिबल पार्ट कौन सा है सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज बनाना अब बनाना जो होता है वो हमारा कौन से फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है बनाना आता है हमारा पार्थीनो कार्पिक फ्रूट की कैटेगरी में अब पार्थीनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जिनके ओव्यूल्स फर्टिलाइज होने से पहले ही फ्रूट बन जाता है देअ इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो वेन ओवरी राइपेंस ये क्या करती है ये पेरिकार्प बनाती है अब जो पेरिकार्प होता है वो थ्री लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर जाता है आगे जाके So, जो 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 होती है वो बनती है हमारी layer हमारी बनती है 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 वो वो बनती 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 हमारी 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 होता है, ये क्या करता है ये बनाना का आउटर पील एरिया बनाता है जो कि काफी थिन होता है एंड वेस्ट एरिया होता है मीजोकार्प जो होता है ये हमारा फ्लैशी एरिया होता है फ्लैशी पल्प एरिया जो एडिबल होता है एंड एंडोकार्प जो होता है ये लेस डेवलप्ड होता है बिकॉज जब सीड्स ही नहीं होते हैं बनाना में तो प्रोटेक्शन किसको चाहिए सो डिफरेंट ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए हमें दिया गया है एपीकार्प का एपीकार्प जो होता है ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड बनाना में इस आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसको हम बोलते हैं आउटर पील ये आउटर पील जो होता है ये नॉन एडिबल रीजन होता है बनाना का बेसिकली इसको छिलका बोलते हैं एंड ये वेस्ट रीजन होता है जनरली कंपोस्ट वगैरह में इसको यूज कर लेते हैं ऑप्शन बी जो हमें दिया गया होता है वो होता है हमारा मीजोकार्प एंड

जो कि एडिबल होता है एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प ये भी हमारा फ्लैशी पार्ट के साथ में एडिबल होता है एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज बनाना में सीड्स नहीं होते हैं सो so, ये वाला रीजन जो होता है ये खाया जाता है ऑप्शन सी इज एंडकार एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प सो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो हमारा एंडोकार्प होता है यहाँ पे वो डेवेलप्ड ही नहीं होता है ढंग से तो उसको क्या ही खाया जाएगा एंड जनरली एंडोकार्प जो होते हैं उनको खाया नहीं जाता और जो इधर हमारे बनाना में मीजोकार्प होता है वो फुल्ली डेवेलप्ड एंड एडिबल होता है देफो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन डी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन डी इज एपीकार्प एंड मीजोकार्प सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज जो एपी कार्प होता है ये हमारा आउटर रीजन होता है एंड जो मीजोकार्प होता है मिडल रीजन होता है ऑल्डो मीजोकार्प हमारा एडिबल होता है बट जो एपी कार्प है वो हमारा एडिबल नहीं होता है देअो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Option number B that is mesocarp and less developed endocarp. Hope you understood it well. Best of luck.